वित्त मंत्री सुरेश खन्ना बजट पेश करेंगे। योगी सरकार का ये बजट युवाओं पर केंद्रित रह सकता है। आपको बता दें ये 5 लाख करोड़ रुपए से अधिक का हो सकता है। योगी सरकार ने 2019-20 में करीब 4.5 लाख रुपए का बजट पेश किया था। युवाओं को खाली पड़े पदों पर भर्ती की उम्मीद बजट से है, तो बजट से पहले जो संभावनाएं जताई जा रही हैं उसमें हाई स्कूल, इंटर और ग्रेजुएशन छात्रों के लिए इंटर्नशिप का ऐलान भी शामिल हो सकता है। इसके तहत 6 महीने से 1 साल तक 2,500 रुपये प्रतिमाह नकदी दिए जाएंगे। साथ ही गौवंश संरक्षण केंद्रों का बजट भी बढ़ाए जाने की तैयारी है। देखिए, निश्चित तौर पर दरअसल योगी सरकार आज अपना चौथा बजट पेश करने जा रही है और अभी तक जो जानकारी मिली है उस लिहाज से इस बजट में खासतौर पर उत्तर प्रदेश सरकार की जो योजनाएं चल रही हैं, चाहे वो सरकार की एक्सप्रेसवे की योजना हो, महिला कल्याण की योजना हो, शुल्क प्रतिपूर्ति हो, पूर्वांचल बुंदेलखंड के पैकेज की बात हो या मेडिकल कॉलेज के निर्माण की बात हो, ये माना जा रहा है कि आज जो बजट पेश किया जाएगा उनमें इन तमाम सारी योजनाओं को धन आवंटित होगा। और दूसरी अहम बात जो आपने कही कि गौ संरक्षण को लेकर उसका दायरा बढ़ाया जा सकता है, तो पिछली बार जब बजट पेश किया गया था तो उस वक्त भी और उसके बाद कैबिनेट की बैठक हुई थी तो गोवन संरक्षण के लिए जो बजट आवंटित किया गया था और ये कहा गया था कि गोवन से किसानों को बड़ा नुकसान हो रहा है, जिस तरह से आवारा पशु घूम रहे हैं, तो उनके रखरखाव के लिए, उनके संरक्षण के लिए और गौशालाओं के निर्माण के लिए बड़ा बजट आवंटित किया गया था, लेकिन उसका बहुत ज्यादा असर उत्तर प्रदेश के अलग अलग जनपदों में देखने को नहीं मिला था। तो शायद आज उसके आकार को बढ़ाया जाएगा, उसको उसके नाम से भी जो बजट है उसको आवंटित किया जाएगा, लेकिन मेन फोकस उत्तर प्रदेश की योगी सरकार का पूर्वांचल और बुंदेलखंड का जो पैकेज है, इसके अलावा जो तमाम सारी योजनाएं हैं जो चल रही हैं, चाहे वो अखिलेश यादव सरकार के दौरान गोमती रिवर फ्रंट की योजना हो या बनारस के विकास की योजना हो, महिलाओं की सुरक्षा का मामला हो, किसानों पर फोकस होगा और इसके अलावा जो जेवर एयरपोर्ट के लिए जमीन की खरीद और अयोध्या में जो एयरपोर्ट था उसके लिए भी बजट की व्यवस्था की जाएगी। तो ये तमाम सारे बिंदु आज बजट में देखने को मिलेंगे। शुक्रिया आपका अशोक इस जानकारी के लिए।